हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा। और फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है ना, बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, तो आप इसे पूरा ज़रूर वॉच करिएगा। और यहाँ पे ना, हमने आईफोन लिया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया है, आईफोन 13। तो यहाँ पे बस उसी की अनबॉक्सिंग चल रही है। और फ़ोन तो हमने पहले ही ओपन कर लिया था, बॉक्स में से निकाल के हमने चेक वगैरह कर लिया था, तो इसे हम लोग घर पर लेकर आए हैं। तो घर पर मेरा जो बेटा है वो बोल रहा मैं खोलूँगा इसको, तो यहाँ पे बस वही हम लोग ओपन कर रहे हैं और इसमें सिम वगैरह डाल करके इसको ऑन कर रहे हैं फ़ोन को। तो यहाँ पे हमसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हैं फ़ोन को देख करके। और अभी यहाँ पे थैंक्सगिविंग चल रहा था ना US में, तो हमने यहाँ पर एक लैपटॉप ऑर्डर किया है, तो हम लोग उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आपके साथ। तो बस यहाँ पे वही फ़ोन का सारा जो सेटअप है, सेटिंग हो रहा है। और सच में फ्रेंड्स, ये जो फ़ोन है ना, बहुत ही प्यारा है। और ये जो फ़ोन है ना, ये हमने शॉप से बाय किया है, ऑनलाइन नहीं हमने मंगाया है इसको। पर हमने जो लैपटॉप मंगाया है ना, वो हमने ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से। तो लैपटॉप भी आ चुका है, आज ही लैपटॉप भी आया है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे जो हस्बैंड है वो उसको ओपन कर रहे हैं। तो हमने सोचा चलिए इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो हम लोग आपके साथ करते हैं। और आज का जो दिन था वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि हमने आज दो बड़ी चीज़ें खरीदी थी, काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं ये हमारे लिए। बस यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको निकाल रहे हैं बॉक्स में से, और यहाँ पे बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, क्या बताएं, मतलब हमसे भी ज़्यादा वो एक्साइटेड है। और मेरा छोटा वाला बेटा, वो तो इतना खुश है, उसको तो लग रहा है ये लैपटॉप हमने उसके लिए ही ख़रीदा है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ पूजा। और फ्रेंड्स, आज दिन है थर्सडे, और आज यहाँ पे ना थैंक्सगिविंग डे होता है, तो आज यहाँ पे पूरा हॉलीडे है, मतलब सब कुछ बंद है यहाँ पे। तो आज हमने सोचा कि चलो आज हम लोग बीच चलते हैं, क्योंकि बीच तो खुला ही रहेगा और कहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर बंद रहेगा। तो चलिए, आज का जो ब्लॉग है ना, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और सारी जो तैयारी है वो हो गई है, सब कुछ हमने पैक कर लिया है, कपड़े वगैरह। और अभी टाइम अभी 1 बज रहे हैं, 1 बजे हम लोग निकल रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग कब तक पहुँचते हैं वहाँ पे। 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में, तो फिर उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी, जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इस ब्लॉग में। घर से निकल चुके हैं, और यहाँ पे घर से हमें बीच तक जाने में हमें 45 मिनट्स लग गए। और फ्रेंड्स, आज जो मौसम था ना, काफ़ी अच्छा मौसम था, मतलब बहुत ही अच्छी धूप थी आज। यहाँ पे भी बहुत ठंड है, लेकिन धूप की वजह से ठंड का पता नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप लोगों को रास्ते का भी जो सीन है वो दिखा देती। आ गए हैं, और बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हैं कि पूछिए ही मत। और ये जो बीच है ना, इस बीच का नाम क्लियर वाटर बीच है, और जहाँ हम लोग रहते हैं टैंपा में, वहाँ का ये बहुत ही फेमस बीच है। हॉलीडे होने की वजह से जो बीच था ना, वो पूरा फुल था, क्योंकि मतलब हॉलीडे था तो सब लोग बीच पर ही आ गए थे। और जो वेदर था ना, वो काफ़ी अच्छा वेदर था।
अभी इस टाइम कौन आएगा यार शाम को? वही आएंगे जो यहाँ रहते हैं। देखो यहाँ पे देखो वो भी थोड़े से खाली हो चुके हैं। और यहाँ पे जो बच्चे थे वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, तो वो अपने टॉय वगैरह घर से ही लेकर के आए थे कि वहाँ पे जाके हम खेलेंगे उससे। तो वो लोग बस अपने खेल में बिजी हैं अपने टॉय के साथ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ का आसपास का भी नज़ारा दिखा देती हूँ बीच का। देखो बन गया ये ब्लॉग तो कब जाएगा यार मेरा मौसम रियल इन द ग चलो डुबो इधर से घुसो उधर से निकलो डुब जाओ इसके अंदर इसके अंदर जाओ क्यों देखो पापा बनाया है आपके लिए आप इधर से जाओ उधर से निकलो पापा ना बना बनाया नहीं निकल सकता अनुभव चला जाएगा पतला है ये तो बहुत कहना लग रहा है मुझे तो कहने लग रहा है और यहाँ पे बच्चे और हस्बैंड पानी में गए हैं, लेकिन पानी फ्रेंड्स इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि 10 मिनट से ज़्यादा ये लोग पानी में रहे ही नहीं, तुरंत बाहर आ गए क्योंकि अभी यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा है तो पानी भी बहुत ठंडा था। चल दौड़ू जंप करने वाले हो ना मम्मी मैं ये करने और यहाँ पे मैं भी पानी के अंदर गई थी पर मैं भी ज़्यादा देर तक नहीं थी, 3 से 4 मिनट ही पानी में थी मैं।
दूध को लेकर के मैं गई थी, क्योंकि वो बार बार पानी की जिद कर रहा था, पर पानी के अंदर रह भी नहीं रहा था, तुरंत बाहर आ जा रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने बीच पर ही टाइम स्पेंड किया पानी में, तो हम लोग नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी ठंडा पानी था, पर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग पानी में जाने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, पर बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। घर वापस जा रहे थे, लेकिन बाहर का जो व्यू था इतना प्यारा था ना, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल था बाहर का व्यू, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, पूरा पानी ही पानी था पूरा चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना मत भूलिएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे देखिए, शाम को मैं घर पे आ गई थी तो मैंने शाम को दिया जलाया, और जो हमने लैपटॉप और फ़ोन लिया था फिर उसका हमने थोड़ा सा टीका किया। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और आप लोग फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा, मैं वहाँ पे रील्स और फ़ोटो वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।